आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना 20वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मनाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष माधव सिंह ने पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का जो सपना देखा था उसे पार्टी के नेता चिराग पासवान ने साकार कर दिखाया है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना जिसका परिणाम है कि इस बार चुनाव में पार्टी का जनाधार बढ़ा है। इस स्थापना दिवस समारोह में स्वर्गीय पासवान को श्रद्धांजलि भी दी गई, साथ ही साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को अपनाने और बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। आज हम लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। हमारे संस्थापक आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर उनके विचारों को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करने के लिए आज यहां पर हम लोग संकल्प लेंगे। साथ ही हमारे नेता और हमारे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उन पर भी मुझे गर्व है कि उन्होंने सत्ता और संघर्ष में संघर्ष का रास्ता चुना और इस बार हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े। लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार भी बढ़ा और हमारे नेता जो संस्थापक का जो सपना था कि बिहार के हर घर घर में, देश के हर कोने कोने में लोक जनशक्ति पार्टी क्या पहचान हो, वह पहचान कराने में हम लोग कामयाब रहे और हम लोग आज यहाँ पर सभी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। साथ ही आज हम लोग अपने पार्टी का 20वां स्थापना दिवस भी मना रहे हैं।